गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, इसमें जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल। यानी इन दिस टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड, ठीक है, इस सेल में जो है वो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। और भी बहुत सारे इसके फीचर हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा फीचर है वो क्या है कि न्यूक्लियस इस सेल में वेल डेवलप्ड होगा। हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल उस सेल को बोल दे रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट दोनों सेल जो है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, पहले हम लोग इसको जो है वो किससे देख लेते हैं, सेल के स्ट्रक्चर से ही देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल इन एनिमल, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट। तो यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट, इन प्लांट दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो एनिमल सेल का बनाते हैं। तो एनिमल सेल में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। किसका स्ट्रक्चर, तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो है वो क्या दिखेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। चूँकि ये एनिमल सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही होगा। और हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है, इसी न्यूक्लियस के इन्वेलप से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिल्स भी डेवलप कर जाता है, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ से डेवलप किया ये डेवलप किया आपका जो जो न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है वहीं से ये डेवलप करता है। इसका नाम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डेवलप कर गया कहाँ पे, न्यूक्लियस के एनवेलप से, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और ऑर्गेनेल्स को डेवलप करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल्जी बॉडी, ठीक है। यहीं से डेवलप करता है एक और स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, गॉल्जी बॉडी।
ठीक है, ये डेवलप कर गया क्या, गॉल्जी बॉडी। और इसी गॉल्जी बॉडी से एक और स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसका नाम है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटी सॉरी लाइसोजोम। क्या नाम है, लाइसोजोम्स। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं कि ये लाइसोजोम्स और गॉल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों मिल करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अन्य तीनों मिल करके एक मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस न्यूक्लियस के अंदर और एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। ओके, क्या नाम है, न्यूक्लियोलस। हम लोग देखते हैं कि इसी न्यूक्लियोलस से इन राइबोजोम का सिंथेसिस होता है, किसका, राइबोजोम का। और ये फिर न्यूक्लियर पोर होता है जगह जगह पे, उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये सब जो है वो राइबोजोम बाहर आ जाता है। ठीक है, ये राइबोजोम कहाँ जाता है, बाहर। ठीक है, यही राइबोजोम अटैच कर जाता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या हो जाता है, रफ। ठीक है, जब ये अटैच कर जाता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाएगा, रफ। और अगर ये अटैच नहीं करे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा रहता है, स्मूथ। ठीक है, कौन अटैच करता है, राइबोजोम। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो है एक सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस सेल का फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन ज़्यादा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। ठीक है, और हम लोग अगर देखें तो वैक्यूल्स छोटा सा पार्ट्स के फॉर्म में बोला जाता है कि पाया जाता है, लेकिन वो सब जो है वो देखने को मिलता है गॉल्जी बॉडी के साथ भी। उसके बाद ये जो क्रोमोजोम रहेगा ये पूरा यहाँ पे पूरा जो है वो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पूरा ये रहेगा क्रोमोजोम के फॉर्म में। ठीक है, ये इस तरह से रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। अब देखिए, सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखें ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर बना है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल में ना ही सेल वॉल मिलेगा ना ही कैप्सूल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देखे इसका नाम है लाइसोसोम्स, और ये जो स्ट्रक्चर देखे इसका नाम है गॉल्जी बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो देखे इसको बोलते इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिखते क्या, ER। ठीक है, ये जो है इसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है जहाँ पे राइबोजोम अटैच करेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रफ ER। और जो ये स्मूथ वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, स्मूथ ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है इसका नाम है सेंट्रियोल, इसका नाम है राइबोजोम्स। और राइबोजोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग देखे थे 70S का बना होता है,
इसमें जो है ATS का बना हुआ रहेगा, ये क्या है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, ये सब हम लोग दिखा सकते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कहलाता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो है और पूरा यहाँ पे भरा हुआ रहेगा जो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस पूरे पार्ट्स में जो यहाँ भरा हुआ रहेगा इसको हम लोग नाम दिए क्या, साइटोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, एनिमल सेल का, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। हम लोग सारे ऑर्गेनल्स के ऑरिजिन को देख रहे हैं। सबसे पहले जो है अगर बात किया जाए कि सेल जो है वो क्या है, तो एनवेलप भी है इसमें, न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, तीनों पार्ट इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप से डेवलप किया क्या, न्यूक्लियर एनवेलप से डेवलप किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डेवलप करवाया किसको, गॉल्जी बॉडी को, और गॉल्जी बॉडी से डेवलप किया कौन, लाइसोजोम्स। तो ये तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी और लाइसोजोम, GERL सिस्टम बनाता है, ठीक है। और इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वहीं से जो है वो राइबोजोम डेवलप करता है, ठीक है। राइबोजोम बना और सेल जब डिवाइड होने वाला रहता है तब जो है उसी से, न्यूक्लियस से ही जो है वो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला गया है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके किसके बीच का, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच का, तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का। बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल पहले आया था, है ना, और उसी प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल डेवलप किया। तो प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप को यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में प्लेस कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज भी मिलता है, जैसे कि दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना, दोनों में सर्कुलर DNA होता है, दोनों में 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। तो हम लोग बोलते हैं सेल विद इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, साथ ही साथ कि सेल के अंदर एक सेल है, सेल विद इन सेल किसको बुलाता है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ओके। तो ये जो है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया, अब देखेंगे क्या, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। दोनों में काफ़ी जो है वो सिमिलैरिटीज मिलेंगे, बट दोनों हम लोग बनाएंगे। अब जो है इसको मिटा देते हैं, फिर प्लांट सेल बनाते हैं, ओके। तो यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट, ठीक है, एनिमल का हो गया, अब किसका बनाएंगे, प्लांट का। हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल जो है वो कवर रहता है किससे, तो प्लांट सेल कवर रहता है एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल वॉल। किससे कवर रहता है, सेल वॉल से।
ठीक है। हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वैक्यूल, ठीक है। और ये वैक्यूल जो है एक और प्रोटेक्टिव लेयर से जो है वो घिरा हुआ रहता है, है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। तो ये वैक्यूल जो है इसका नाम क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल ये यहाँ पे मिल गया, जिसके कारण से न्यूक्लियस हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड में प्लेस कर जाता है, है ना, मिडिल में नहीं रहता है, किस में, तो प्लांट सेल में, लेकिन न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको हम भी हम लोग बोलेंगे क्या, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यही बनाएगा क्या, यही बनाया क्या, तो हम लोग इसको बोले क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से डेवलप करेगा क्या, गॉल्जी बॉडी भी, वैसे प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी को डिक्टिसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से, डिक्टिसोम से, और यहीं पे जो है वो डेवलप करेगा क्या, ये डेवलप करेगा गॉल्जी बॉडी, ठीक है, सॉरी लाइसोजोम्स। तो लाइसोजोम्स जो है प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है, लाइसोजोम्स नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया आपको डेवलप किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस है तो राइबोसोम डेवलप किया हुआ मिल जाएगा, है ना, इस तरह से राइबोसोम भी मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लास्टिड्स, ओके, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लास्टिड्स, हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर को देख करके प्लांट और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस को भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग बना रहे हैं क्या है, प्लास्टिड्स, ठीक है। इस सेल में जो सेंट्रियोल भी आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है, यहाँ पे एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम में, और वही प्लेट जो है, सेल प्लेट जो है वो सेल डिवीजन करवाने का काम करता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है, तो इसमें आपको ये भी डिफरेंस मिल जाएगा,
ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वैक्यूल का। फिर आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें वेल डेवलप्ड मिल जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वेल डेवलप्ड मिल जाएगा। तो ये जो है, और फिर चारों तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें जो है वो डेवलप किया हुआ पूरा जो है वो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। तो सेल बाउंड्री के नाम पे हम लोग क्या देखते हैं कि दो बाउंड्री, दो लेयर होता है, एक का नाम है, एक बाउंड्री का नाम है सेल वॉल और दूसरे का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और हम लोग देखेंगे यहाँ भी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ और स्मूथ मिल जाएगा, सॉरी रफ और स्मूथ मिल जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ भी राइबोसोम आकर के अटैच करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आउटर बाउंड्री है इसका नाम क्या है, सेल वॉल, ठीक है, और उसके बाद वाला बाउंड्री जो इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनुवाद भी इसमें आपको जो है वो सेल वॉल दिखेगा। उसके बाद ये वैक्यूल बना दिए, वैक्यूल का जो कवरिंग है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ओके, इसको बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। और ये जो है इसका नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो है इसका नाम है प्लास्टिड्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्ट्स है इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, लेकिन इसका नाम है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, ER। तो यहाँ पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा है, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं रफ ER, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मूथ ER, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस, और ये जो है इसको बोलते हैं गॉल्जी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, राइबोसोम्स, इसमें भी राइबोसोम्स जो है वो 80 सब यूनिट का ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड्स ये सब भी पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग ये किसका है, ये जो है वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, दोनों जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को हम लोग क्यों, दोनों को, दोनों में हम लोग देख रहे हैं क्या कि दोनों में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग ये दोनों को बोलते हैं क्या कि ये दोनों जो है वो आपका यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अगर हम दोनों को देखें सिर्फ स्ट्रक्चर के अनुसार देख करके जो हम चाहे तो दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस को लिख सकते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच क्या डिफरेंस है अगर बोला जाए, तो हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हुए भी ये दोनों के बीच जो है वो दोनों के बीच के डिफरेंस को लिख सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच जो डिफरेंस है दोनों के शेप पे, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ओवल इन शेप होता है एनिमल सेल, और प्लांट सेल जो है वो कैसा शेप है इसका, रेक्टेंगुलर है ना, थोड़ा सा क्या ये रेक्टेंगुलर है। हम लोग दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मिडिल ऑफ द सेल, सेल के बीच में जो है ये प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है, सॉरी एनिमल सेल में बीच में, लेकिन प्लांट सेल में जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीच में तो वैक्यूल आ गया, तो ये कहाँ रहता है, ये जो है साइड में रहता है, साइड में इसको जगह मिला हुआ है ना, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है,
हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है ना, जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है। हम लोग देखें एनिमल सेल में लाइसोजोम है, बट इसमें लाइसोजोम नहीं है, है ना। और अगर हम लोग जो है वो और डिफरेंस को देखें तो इसमें जो है गॉल्जी बॉडी के ये सिस्टरने जो है वो रहेगा चार, उसमें रहता है कम से कम छः, इसमें रहेगा चार मिनिमम, मैक्सिमम 19, उसमें रहेगा चार छः मिनिमम और मैक्सिमम 19। उसमें सेंट्रियोल मिलेगा बट इसमें सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, है ना। बहुत जगह पे दिखाता है कि एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, बट बच्चा वो जो है वो गॉल्जी बॉडी जो होता है वो गॉल्जी बॉडी तीन पार्ट से बना होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी। पहला का नाम है सिस्टर्ने, दूसरा का नाम है ट्यूब्यूल्स और तीसरा का नाम है वेसाइकल्स। तो वो वेसाइकल्स जो है वो जस्ट लाइक अ वैक्यूल ही दिखता है। तो ये दोनों सेल के बीच जो है वो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना, किसके किसके बीच, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस हो गया, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते एक बार और अच्छे से कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप का होता है बट एनिमल सेल जो है वो ओवल शेप का होगा, दो डिफरेंस। तीसरा, प्लांट सेल में न्यूक्लियस इन सेंटर, सॉरी प्लांट सेल में न्यूक्लियस टुवार्ड द बाउंड्री और एनिमल सेल में न्यूक्लियस टुवार्ड द सेंटर। ठीक है, ये तीन डिफरेंस हो गया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करता है कौन, प्लांट सेल, और इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड। लेकिन एनिमल सेल जो है वो ना ही फोटोसिंथेसिस कर पाता है और ना ही उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट जो है कौन कंटेन करके रखता है, प्लास्टिड, किसमें, तो प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो और डिफरेंस क्या देखते हैं, तो इसमें जो है कितना हो गया, सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा जो है वो हो गया सेल वॉल, तीसरा हो गया न्यूक्लियस का पोजीशन, चौथा हो गया प्लास्टिड, पांचवा हो गया वैक्यूल, है ना। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है लार्ज इन साइज, बट एनिमल सेल में अगर देखा भी जाए तो बहुत स्मॉल साइज का। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इसमें जो वैक्यूल होगा दैट इज कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट, एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर को लेकर के चलता है जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं, तो इसमें जो है प्लांट सेल में लाइसोजोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। देखिए गॉल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन लाइसोजोम प्रेजेंट नहीं है। तो लाइसोजोम का फंक्शन इसमें कौन करता है, ये वैक्यूल करता है। वैक्यूल का डेवलपमेंट किससे हुआ है, तो वैक्यूल का डेवलपमेंट भी जो है वो गॉल्जी बॉडी से हुआ है, ये लाइसोजोम के जगह पे ही प्रेजेंट होता है। यानी कि प्लांट सेल में इंडो मेम्ब्रेन सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन करता है, तो वो करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जो है वो आपका गॉल्जी बॉडी, और तीसरा वैक्यूल। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उस सेल में जो है वो सेंट्रियोल भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन करने के लिए वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा और तब जो है सेल डिवीजन होगा। बट इट इस सेल में, यानी कि प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, क्योंकि ये सेल को जब डिवाइड करने का होगा तो बाहर से प्लेट का फॉर्मेशन होता है और वो जो है इसको दो भाग में डिवाइड करेगा। ये अपने से, यानी कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर के द्वारा फॉर्मेशन, सॉरी सेल डिवीजन नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, उसमें भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल में थोड़ा कम होता है, एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का ऑरिजिन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में था किसके साथ, तो सर्कुलर डीएनए के साथ, इसमें भी जो है वो सर्कुलर डीएनए के साथ ही होगा। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो 5, 7, 8 डिफरेंस आराम से जो है प्लांट सेल
और एनिमल सेल के बीच लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेल में हम लोग यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर देखे, और हम लोग क्या देखे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में जो कॉमन है वो बहुत सारे सेल ऑर्गन्स कॉमन है, और दोनों में दोनों को यूकैरियोटिक सेल में प्लेस किया गया है क्योंकि दोनों के दोनों में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे प्लांट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेल थ्योरी के लिए, है ना, कि सेल के बारे में सिद्धांत किसने दिया था, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं वो सब सेल के बारे में बताने वाला बहुत कोई थे, नाम दिया गया है ना, उनके बारे में बताया गया, देखा गया, लेकिन इसके बारे में कोई थ्योरी प्रपोज नहीं किया गया है। तो थ्योरी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।